हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलर्स की दुनिया यानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल गुरुकुल पंडित पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर जिसका नाम 12वीं शताब्दी के सूफी शेख फरीद के नाम पर रखा गया। तो आइए चलते। फरीदाबाद हरियाणा के सबसे तेजी से औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित हुए शहरों में से एक है। फरीदाबाद में यूं तो कई घूमने लायक जगह हैं, परंतु दिल्ली जैसे महानगर की चकाचौंध में इसे कुछ छिपा गया है। लेकिन समय बदल रहा है और लोग इस शहर की सुंदरता और नज़ारे को महसूस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर फरीदाबाद कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से जुड़ा होने के कारण आप काफी आसानी से भारत के किसी भी कोने से फरीदाबाद पहुंच सकते हैं। यदि आप बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा फरीदाबाद पहुंचना चाहते हैं तो यह दिल्ली से महज 37 किलोमीटर दूर है। फरीदाबाद के लिए भारत के सभी महत्वपूर्ण शहर से ट्रेनें हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो द्वारा भी दिल्ली से आसानी से फरीदाबाद तक पहुंचा जा सकता है। फरीदाबाद शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यह नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि फरीदाबाद में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां घूमा जा सकता है। सूरज कुंड लेक। 10वीं शताब्दी के इस रिजर्वायर टैंक के चारों ओर फैली सुंदरता में पिकनिक का अलग ही मजा है। यहां हर साल इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन होता है। बाबा फरीद टोंग। यहां पर लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चादर व फूल चढ़ाने आते हैं। आप यहां कवाली की शाम का मजा भी ले सकते हैं। बाबा फरीद टोंग सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। बड़खल झील। बड़खल लेक फरीदाबाद की एक फेमस झील है। यहां आप पिकनिक व पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का मजा ले सकते हैं। यह सनराइज से लेकर सनसेट तक खुला रहता है। राजा नाहर सिंह पैलेस। 18वीं शताब्दी के इस महल को वल्लभगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहां आप अब रेस्टोरेंट का मजा भी ले सकते हैं। यह सुबह 9 से 11 बजे तक खुला रहता है। इस्कॉन टेंपल। यह मंदिर अपने बेहतरीन सांस्कृतिक व नवनीतम कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। यहां जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां राधा कृष्ण की मूर्तियां सबसे विख्यात हैं। फरीदाबाद टूर की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेहतरीन होता है। आइए अब बात करते हैं एक दिन में होने वाले एक व्यक्ति खर्च फरीदाबाद में क्या रहेगा। फरीदाबाद में ठहरने के लिए आपको 800 से 3000 रुपए में होटल आसानी से मिल जाता है। फरीदाबाद शहर में आप किसी भी अच्छे खाने का लुत्फ 400 से 500 रुपए में उठा सकते हैं। वहीं अगर बात करें साइट सीन की तो आप 500 से 1000 रुपए के खर्च में फरीदाबाद के लगभग सभी साइट सीन का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।